नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम हथेली में ऐसे चिन्हों की बात करेंगे जो जीवन में राजयोग देता है। ये चिन्ह कहाँ पे होती है, आइए इस पर बात करते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी मध्यमा उंगली को देखिए, ये जिसे मिडिल फिंगर भी कहा जाता है इंग्लिश में, मध्यमा उंगली जो सबसे बड़ी उंगली होती है बीच वाली, इसके नीचे का क्षेत्र ये हमारे कर्म का क्षेत्र होता है। कर्म का क्षेत्र अर्थात भाग्य का क्षेत्र, ये शनि का क्षेत्र, भाग्य का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र, इन सभी चीजों को कहा जाता है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म से भाग्य या भाग्य से कर्म, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये उसी का इसी क्षेत्र पर कुछ चिन्हें ऐसी पाई जाती है जो हमें राजयोग उत्पन्न करती है। आइए हम उस पर बात करते हैं। मान लिया ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर ही पहुंचती है। ये रेखा चाहे कहीं से भी निकली लेकिन इसका अंत शनि क्षेत्र पर ही होता है, तो ये भाग्य रेखा कहलाती है। कर्म की रेखा भाग्य रेखा, अगर इस रेखा के अंत में जो अक्सर देखने को प्राप्त होता है, जिसके अंत समय में कुछ इस प्रकार से ब्रांचेज निकलते हैं, देख लीजिए, ये हमने ब्राके रखे हैं यहाँ पे बड़े में, चूंकि आपको समझ में अच्छी सा, अगर इसमें तीन या तीन से अधिक, ये तीन हो गए या तीन से अधिक कुछ ब्रांच आपको इस प्रकार से लगे कि ये ब्रांच कुछ इस प्रकार से, थोड़ी सी इसे नजदीक से देखने का प्रयास कीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ब्रांच आपकी, ये प्रमुख रेखा है, ये जब शनि क्षेत्र पर जाती है और इसमें कुछ इस प्रकार से साफ सुथरी अवस्था में स्पष्ट रूप से लगे कि ये ब्रांच है। ध्यान देने की बात है कि ये रेखा को काटे नहीं, अगर ये इस मुख्य भाग रेखा को काट देती है तो फिर इसके अर्थ जो है बदल जाते हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देनी है। ये रेखा इससे ब्रांच के रूप में इस प्रकार से निकले, इसे ही वृक्ष की कहा गया, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग का वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष जहां भी रहता है इसके नीचे बैठने वाले जातक की हर इच्छा पूरी करती है। खैर छोड़िए, हम इस बातों पे आते हैं। हथेली में कल्प वृक्ष, जीवन में काफी समृद्ध होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत धन धान से परिपूर्ण रहते, धन इनके पास बहुत अधिक रहता है, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। साथ में ऐसे व्यक्ति काफी हृदय से बड़े और उदार होते हैं, हृदय से उदार होते हैं, दानी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये इनसे इसका विशेष गुण है कल्प वृक्ष का। अगर ये आपके हथेली में है तो ये आपके जीवन में राजयोग उत्पन्न करता है, ये आपको अच्छे कर्म कराएगा और आपके पास धन काफी मात्रा में रहेगा। ये देख लीजिए चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। अब आइए हम दूसरे चिन्ह की बात करते हैं कि वो कैसा बनता है। नेक्स्ट चिन्ह जो बनता है हमारी हथेली में कुछ इस प्रकार से, ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ इस प्रकार से यहाँ पहुंचती है और इसी में एक चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, इसे कहते हैं फिश का चिन्ह या मछली का चिन्ह। ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं बना, हम थोड़ा इसे स्पष्ट कर लेते हैं कि ये कैसा बनता है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से, ऐसा लगे कि नीचे इस प्रकार से पूंछ बनता है और ऊपर में इस प्रकार से मुंह बनता हो, तो इसे हम फिश का चिन्ह या मछली का चिन्ह भी कहते हैं। ये चिन्ह स्वतंत्र रूप से भी बन सकता है और भाग्य रेखा के सपोर्ट से भी बन सकता है। ये हमारी भाग्य रेखा है। तो शनि क्षेत्र और कर्म क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बनना कर्म से भाग्य का निर्माण, ध्यान दें, शास्त्र कहता है कर्म से भाग्य का निर्माण, कर्म को भाग्य का, भाग्य को कर्म का सपोर्ट मिलना। तो कुल मिला के ये स्थिति बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होती है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि इसकी बनावट महत्वपूर्ण है। क्या ये बनावट स्पष्ट है, साफ सुथरी है, कैसी बनावट है? अगर ये स्पष्ट साफ सुथरी है तो पूर्ण लाभ देगा। कई बार स्थिति होती है कि ये थोड़ा इस प्रकार से बनता है कि इसका मुंह नीचे रहता है, पूंछ ऊपर रहता है, बिल्कुल उल्टा, तो फिर इसके अर्थ कुछ बदल जाते हैं। तो धन इस मत्स्य का एक गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि आपके पास जो है शुभ फलदायी तो है ही, न्याय प्रिय, अनुशासन प्रिय व्यक्ति, तंत्र मंत्र में रुचि, गुप्त विद्या में रुचि, 36वें वर्ष के बाद विशेष सफलता, धन इनके पास बहुत मात्रा में रहेगा। लेकिन ये मत्स्य का चिन्ह अगर उल्टा बनता, उल्टा कहने का अर्थ ये होता है कि इसकी पूंछ ऊपर बनती हो और इसका मुंह नीचे, अगर इस प्रकार से चिन्ह आपकी हथेली में बन जाए तो ये धन तो आएगा लेकिन धन बहुत खर्च होगा आपका, क्योंकि मत्स्य का चिन्ह ऊपर की ओर मुख वाला है तो ये अति शुभ है, लेकिन इसका मुख नीचे की ओर आ जाता है तो ये धन बहुत खर्च भी कराता है, लेकिन धन आते ही रहता है। जीवन में संघर्ष भी रहेगा, धन भी आएगा और खर्च भी होता रहेगा, ऐसा कहता है। अगर ये सीधा बनता है तो ये अति शुभ है, साफ सुथरा और निर्दोष है तो सबसे अधिक शुभ फल देने वाला है। अगर इस पर दोष है तो इसके शुभ फल में फिर कमी आ जाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।